जो डबल बेड हैं वो यहाँ पे हैं, टू सिंगल बेड्स हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपका भाई सनाउल्ला मक्का मुकरमा से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ली मेरिडियन टावर्स होटल के बाहर। ली मेरिडियन टावर्स पे तो हम व्लॉग बना चुके हैं, आज मैं आपको व्लॉग बना के दे रहा हूँ इस पे साजा मक्का पे। साजा मक्का ली मेरिडियन टावर में ही आता है, लेकिन ली मेरिडियन टावर ने जो अपने फर्स्ट टू टावर्स हैं वो सेल कर दिए, टावर नंबर एक और टावर नंबर दो, जो कि ये वाले हैं। ये यहाँ पे टावर वन है और इसके साथ टू है, ठीक है। बाकी 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो हैं वो ली मेरिडियन के पास ही हैं। इन दोनों की जो शटल है वो सेम है, ठीक है। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है कि साजा मक्का की अलग से होगी और ली मेरिडियन की अलग से होगी, दोनों की सेम है, ठीक है। बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता था, उनको यही था कि ली मेरिडियन और साजा मक्का एक ही हैं। इनके जो टावर, रूम, बिल्डिंग सब कुछ सेम है, लेकिन फर्स्ट टू टावर जो सेल हुए हैं वो साजा मक्का ने लिए हैं। तो उन पे आज हम व्लॉग बनाएंगे। इसकी जो शटल है वो टनल के अंदर से जाती है, ठीक है। वो यहाँ पे ये देखें बसें इस टाइम खड़ी हैं, 5 बसें हैं, ठीक है। 3 ये लाइन पे हैं, चौथी ये, 5वीं वो आ रही है, ठीक है। ये यहाँ से डायरेक्ट जाती है क्लॉक टावर के नीचे। जैसे ली मेरिडियन जो टावर का मैंने व्लॉग बनाया था उसमें मैंने पूरी वीडियो एंड तक बनाई थी, हरम तक। बस के अंदर बैठा हूँ, उसके बाद हरम गया हूँ, सारा मैंने रूट दिखाया है। इसमें मैं आपको रूट नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ली मेरिडियन की और साजा मक्का की ट्रांसपोर्ट रूट सेम है, जैसे उसमें जाती है बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। कोदई पार्किंग में नहीं जाती ये डायरेक्ट जाती है, ठीक है, सिर्फ ली मेरिडियन टावर और साजा मक्का की ट्रांसपोर्ट। तो ये मैं आपको ले कर चलता हूँ, साजा मक्का के दोनों टावर विज़िट करवाऊँगा आपको, ठीक है। अगर आपको आपकी ट्रांसपोर्ट वहाँ पीछे ड्रॉप करती है, यहाँ पे भी वैसे अलाउ है, ठीक है। यहाँ से आपको छोटी होटल की कार्ट लेके जाएगी, जो छोटी गाड़ी होती है, कार्ट बोलते हैं उसको, वो आपको लेके जाएगी। अगर आप गलती से ली मेरिडियन टावर्स के रिसेप्शन पे आ जाते हैं, ठीक है, उसका रिसेप्शन वहाँ पर टावर नंबर 5 में, ये अभी टावर नंबर 3 है, यहाँ से ली मेरिडियन टावर के जो हैं वो स्टार्ट हैं टावर्स, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये कार्ड्स खड़ी हुई हैं यहाँ पे दो, क्योंकि अगर आप गलती से वहाँ पे रिसेप्शन पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ से आप कार्ड पे बैठ के यहाँ आ सकते हैं साजा मक्का के एंट्रेंस पे। तो ये है साजा मक्का, ठीक है। यहाँ से साजा मक्का के टावर स्टार्ट हो जाते हैं, ये टावर 2 है, उसके बाद आगे टावर 1 है। तो चलते हैं हम टावर 2 की तरफ। इसकी जो रिसेप्शन है साजा मक्का की वो टावर 2 में है, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। बहुत से लोग गलती से चले जाते हैं आगे टावर 1 में, टावर 1 वो सामने है, ये है टावर 2। यहाँ पे बाहर अब लिखा भी हुआ है कि होटल की मेन रिसेप्शन जो है वो टावर 2 पे है। ये देखें अभी हम एंटर करेंगे टावर 2 में, मेन रिसेप्शन की तरफ, ठीक है। ये लगेज के लिए यहाँ पे इन्होंने काउंटर दिया हुआ है, ठीक है। लगेज आप अपना यहाँ पे छोड़ के बाकी जो होटल के स्टाफ है वो लेके आपके रूम तक आ जाएगा। तो यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका रिसेप्शन, ये देखें, ये इसका है मेन रिसेप्शन इस तरफ, और ये ड्यूटी मैनेजर का यहाँ पे टेबल लगा हुआ है। इसकी जो 4 लिफ्ट्स यहाँ पे हैं, 2 लिफ्ट्स मेन एंट्रेंस के साथ हैं, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो साजा मक्का की रिसेप्शन है वो टावर 2 पे है, ठीक है। ये देखें ये टावर 2 की हैं लिफ्ट्स, 4 यहाँ पे हैं इस तरफ लेडीज़ एंड जेंट्स वाशरूम है। ये वेटिंग एरिया है इसका टावर 2 का, टावर 2 का वेटिंग एरिया जो है वो छोटा सा है, और ये साथ ही कंटीन है। तो अभी हम चलते हैं टावर 1 की तरफ। ये देखें ये टावर जो 2 है उसकी पहली 2 लिफ्ट्स ये हैं, ठीक है, और बाकी 4 लिफ्ट्स ये रिसेप्शन के बाद इस तरफ आती हैं, ठीक है। अभी हम चलते हैं टावर 1 की तरफ। इस तरफ है सामने टावर 1। अच्छा जी, अभी मैं आ गया हूँ टावर 1 के पास। ये सामने टावर 1 की एंट्रेंस है,
और यहाँ पे भी इन्होंने लिखा हुआ है होटल मेन रिसेप्शन जो है वो इस तरफ है। ठीक है, तो अभी मैं आपको लेके चलूँगा टावर वन पे। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से अगर आप प्राइवेट गाड़ी पे भी आते हैं तो यहाँ तक आपकी गाड़ी अंदर आ सकती है, इस एरिया में यहाँ तक। ठीक है, ये इस साइड पे इसकी एंट्रेंस है, ये देख रहे हैं सामने। पहले मैंने वहाँ से वीडियो बनाई थी, इस तरफ अंदर अंदर आया हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से आप गाड़ी लेके अंदर आ सकते हैं, गाड़ी आपको यहाँ पे ड्रॉप कर सकती है। आपको वहाँ से यहाँ तक पैदल आने की ज़रूरत नहीं है, आप काउंटर पे जाएं टावर टू पे, अपना रूम की लें, चेक इन करें। उसके बाद जो सामान वाले बंदे हैं, स्टाफ जो है इनके, बेलमैन, वो आपका सामान ट्रॉली में लेके आपके रूम के आपके पीछे आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने ये पहले कार्ड का बताया था, वो कार्ड ये आ रही है, इधर से मैं दिखाता हूँ। ये सामने खड़ी है कार्ड इनकी, ये देखें, ये सामने अभी कार्ट है। ठीक है, वो उधर से बस पे जो लोग आएंगे उनको लेके उनके टावर्स के बाहर उनको ड्रॉप करेगी, टावर वन या टावर टू, जो भी उनका टावर होगा। ठीक है, अच्छा ये भी मैं इंटर हो रहा हूँ टावर नंबर टू में, टावर नंबर वन में, ये यहाँ पे लिखा हुआ है टावर नंबर वन। ठीक है, मैंने आपको बताया था टावर टू है जो वो इस तरफ है पीछे। अच्छा जी, ये है टावर नंबर वन। ठीक है, ये देखें वो कार्ट आ गई है, इसमें हाजी बैठ रहे हैं, ये यहाँ से बिठाएंगे और इनको जो होटल की ट्रांसपोर्ट है, बस है, उसके पास ड्रॉप करेंगे। ठीक है, इसमें ये इन्होंने सर्विस दी हुई है कि आपको अगर आपके साथ एजड हैं जो वॉक नहीं कर सकते वहाँ तक बस तक, तो यहाँ कार्ट में बैठ के वहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं टावर वन में। ये आ गया हूँ मैं टावर वन में, ये टावर वन की यहाँ पे काउंटर नहीं है, रिसेप्शन जो है उसका मेन पे ही है, टावर नंबर टू के एंट्रेंस पे। ये यहाँ पे वेटिंग एरिया है, इस तरफ थोड़ा सा काम चल रहा है इनका, यहाँ पे भी वेटिंग एरिया है, और इसकी जो लिफ्ट्स हैं वो इस तरफ हैं, इस तरफ वॉशरूम है, लिखा हुआ टॉयलेट्स। अगर आपको नीचे टॉयलेट यूज़ करना है वेटिंग एरिया में, ली मेरिडियन में या साजा मक्का में, तो आपको रिसेप्शन पे वॉशरूम का कार्ड मिलेगा, आप कार्ड के बगैर वॉशरूम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो डोर लॉक होता है। ठीक है, जैसे आपका रूम की होती है कार्ड की, उसी तरह ही वॉशरूम की है यहाँ पर। अच्छा जब भी मैं चल रहा हूँ आपको इसकी लिफ्ट्स की तरफ ले कर, यहाँ से एंट्रेंस थी टावर वन की, और ये हैं इसकी लिफ्ट्स, इस तरफ दो लिफ्ट्स यहाँ पे हैं। ठीक है, 5 और 6 लिफ्ट, और सेकंड जो लिफ्ट्स हैं वो यहाँ पे हैं इस तरफ, ये देखें 4 लिफ्ट्स यहाँ पे हैं। ठीक है, 2 लिफ्ट्स वहाँ पे हैं और 4 यहाँ पे, टोटल 6 लिफ्ट्स हो गई। ठीक है, और इस तरफ भी इन्होंने काफ़ी बड़ा वेटिंग एरिया दिया हुआ है, ये देखें होटल के अंदर जितना भी वेटिंग एरिया है सारा नॉन स्मोकिंग एरिया है। ठीक है, स्मोकर्स के लिए उन्होंने बाहर स्पेस दी हुई है। अब हम चलेंगे रूम की तरफ, आपको रूम का विज़िट करवाऊंगा, स्वीट रूम का। अभी हम लिफ्ट में चलते हैं, हमें जाना है फ्लोर नंबर 15 पे। अच्छा जी, अभी हम पहुंच गए हैं इसके फ्लोर 15 पे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ली मेरिडियन टावर और साजा मक्का दोनों सेम हैं, उसके रूम्स, उसके फ्लोर्स, हर चीज़ जो है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है टावर नंबर 1 और टावर 2 का साजा मक्का, बाकी जो टावर 3 से लेकर टावर 8 तक हैं वो ली मेरिडियन टावर्स ही हैं। ठीक है, तो ये इस तरफ है हमारा जो रूम जो मुझे दिखाना है, मैं आपको यहाँ से भी विज़िट करवा देता हूँ। इसका फ्लोर फुली कॉर्पोरेटेड है जैसे ली मेरिडियन टावर्स है। तो मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि अगर आप बुकिंग करवा के वहाँ से पाकिस्तान से आ रहे हैं तो अपने एजेंट से आपने ये कंफर्म ज़रूर करना है कि हमारी बुकिंग जो है वो साजा मक्का की है या ली मेरिडियन टावर्स की है। ठीक है, लोगों को पता नहीं होता, वो आ जाते हैं यहाँ पे और जो ली मेरिडियन टावर्स के रिसेप्शन है वहाँ पे
पहुंच जाते हैं, उनकी उनकी बुकिंग जो होती है वो साजा मका की होती है, ठीक है। फिर वो वहाँ से यहाँ पे आते हैं टावर टू पे, ठीक है। तो अगर आपकी बुकिंग साजा मका की है तो आपको टावर टू पे आना है, अगर आपकी ली मेरिडियन टावर की बुकिंग है तो आपको टावर फाइव में जाना है, उसकी रिसेप्शन टावर फाइव में है। तो अभी हम चलते हैं रूम की तरफ। ये रूम मुझे आपको दिखाना है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वन मतलब टावर नंबर वन, फ्लोर 15, रूम नंबर 05, ठीक है। टावर नंबर वन, फ्लोर 15, रूम नंबर 05। तो अभी मैं आपको इसका रूम दिखाता हूँ। ये है जी इसका स्वीट रूम फोर बेड्स के साथ, ये देखिए इस तरह ड्रेसिंग टेबल है, और ये इसके साथ वॉशरूम है। वॉशरूम में शॉवर कैबिन अलग से है, ग्लास कैबिन, ठीक है। और यहाँ पे ये शॉवर जेल है, शैम्पू है और साबुन है। इस तरफ टॉवल्स पड़े हैं, ठीक है। दो बेड फर्स्ट साइड पे हैं और दो बेड सेकंड साइड पे स्वीट रूम में, क्योंकि ये कनेक्टेड रूम होता है, इसके मतलब टू पोर्शन अंदर डिवाइड किए होते हैं, दो बेड एक तरफ होंगे दो एक तरफ। तो ये देखिए ये फर्स्ट टू बेड्स हैं, ठीक है। इधर एलसीडी है और ये डाइनिंग टेबल है यहाँ पे, और इस तरफ किचन है, दोनों रूम्स का अटैच किचन है, ठीक है, स्वीट रूम का। और जो इसका सेकंड पार्ट है वो यहाँ पे है, जो डबल बेड हैं वो यहाँ पे हैं, टू सिंगल बेड्स हैं, ये देखें इसमें ये सेफ दी हुई हैं, कबर्ड्स। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ये इसके अंदर लॉकर मौजूद है, ठीक है। ये एलसीडी है, एलसीडी के नीचे भी टेबल हैं, और ये यहाँ पे कपड़े हैंग करने के लिए है, सेफ है। इसमें ये आयरन है और साथ आयरन स्टैंड है, ठीक है। ये आप यहाँ से रूम का पूरा व्यू देखें, और इसके साथ जो इसका अटैच वॉशरूम है वो यहाँ पे है, इसका वॉशरूम भी काफ़ी खुला है, ये देखें ये सिंक है, और यहाँ पे इसका कैबिन शॉवर एरिया। अभी हम चलेंगे एम फ्लोर पे जहाँ पे मस्जिद है, आप एक बार फिर से रूम देख लें। अगर आप इस स्वीट रूम में लेंगे तो स्वीट रूम इसी तरह का होगा, चार बेड का कोई भी आपको रूम अगर बुक करवाते हैं तो चार बेड इसी तरह होंगे। अगर आपको सिंगल रूम क्वाड में चाहिए, स्वीट में नहीं चाहिए, तो वो एक ही रूम होगा, उसमें चार बेड्स एक एक साथ लाइन में होंगे, ठीक है। डबल बेड, ट्रिपल बेड या क्वाड कुछ भी लेंगे तो वो एक ही रूम में, स्वीट में और सिंपल रूम में ये फ़र्क है, ठीक है। तो अभी हम चलेंगे मस्जिद में एम फ्लोर पे, मैं वो भी आपको दिखा दूं। अभी हम जाएंगे एम फ्लोर पे, यहाँ पे रेस्टोरेंट है और मस्जिद है। अभी हम एम पे आ गए, जब आप एम पे लिफ्ट से निकलेंगे सामने ये आपको एक बोर्ड मिलेगा, प्लेट मिलेगी, जिस पे लिखा हुआ है टॉयलेट्स मेल राइट साइड पे हैं, टावर टू राइट साइड पे, रिसेप्शन राइट साइड पे, और फीमेल मॉस्क और फीमेल टॉयलेट्स लेफ्ट साइड पे हैं, ठीक है। ये फीमेल मॉस्क इस तरफ है, हम वहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है। हम जाते हैं यहाँ पे मेल्स जो एरिया है मॉस्क है उस तरफ। ये यहाँ पे इन्होंने अगेन लिखा हुआ है टॉयलेट एंड वुज़ू फीमेल, ठीक है, वुज़ू फीमेल के लिए, और टॉयलेट एरिया जो है वो इस तरफ है। ये यहाँ पे लिफ्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था टोटल छः लिफ्ट्स हैं, दो वहाँ पे थी जहाँ से हम निकले हैं, चार यहाँ पे हैं।
तो भी हम जाएंगे इस तरफ राइट साइड पे, टॉयलेट्स एंड वुजू, मेल मेल मॉस्क, तो ये है इस तरफ मस्जिद, ठीक है। ये शू रैक है और ये यहाँ पे वॉशरूम्स हैं मॉस्क के साथ। ये इस तरफ, ठीक है, ये सेंसर लाइट्स हैं आई थिंक, हाँ। तो ये वॉशरूम इस तरफ है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं मस्जिद की तरफ। ये मस्जिद एरिया है, मॉस्क है, ये सारा फीमेल सॉरी मेल एरिया, और फीमेल एरिया जो है इस साइड पे है पर्दे की उस तरफ, सही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगेगा, और मेरी रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने बुकिंग करवानी होती है वो काइंडली कमेंट्स में अपने जो डेट्स हैं ये क्यूरी है वो ना सेंड किया करें, वो मुझे, मैंने व्हाट्सएप नंबर अबाउट में दिया हुआ है वीडियो के थंबनेल के ऊपर, मैं व्हाट्सएप जो है वो ऐड कर देता हूँ, आप मुझे काइंडली व्हाट्सएप पर मैसेज किया करें। और कुछ लोग कहते हैं कि आप डेट्स नहीं बताते, उनसे मैं दोबारा कहूँगा कि जो डेट्स होते हैं वो हम बता नहीं सकते, उसकी वजह ये है कि डेट एक नहीं रहता, ठीक है। डेली के रेट्स हैं, अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर में और रेट हैं, और ये जो फाइव स्टार होते हैं इनके वैसे भी जो रेट है वो फ्लैट रेट नहीं होता, डे बाय डे चेंज होते रहते हैं, तीन चार दिन बाद, हफ्ते बाद, इसी तरह। तो आपको जो भी बुकिंग करवानी होती है आप वो मुझे काइंडली व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करें कि हमारी ये चेक इन चेकआउट डेट्स हैं, मैं उस हिसाब से आपको उसका रेट लेके दे दिया करूँगा। तो अभी मैं इजाज़त चाहूँगा, अगर मेरी किसी को कोई बात बुरी लगे तो मैं माज़रत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।